Sometimes it appears that I react in such an angry and intolerant way that it appears to others that what we are following is not worth it. So how to convince ourselves in such a situation? तो गुस्सा करना छोड़िए, सामने वाले को लगे कि आप भक्ति कर रहे हैं। बहुत सिंपल है, एक हम प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो प्रोसेस का जब रिजल्ट मिलता है तो उस प्रोसेस में हमारा फेथ और बढ़ जाता है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो कौन से डॉक्टर के पास जाते हैं? जो जाना माना हो। जाना माना कौन होता है? कि इसकी दवाई मैंने ली थी, इसकी दवाई खाने से मैं ठीक हुआ, तो वर्ड ऑफ माउथ से उस डॉक्टर की प्रसिद्धि और फैलती है, फिर बाकी लोग भी उस डॉक्टर के पास जाते हैं। ऐसे ही हम लोग भक्ति कर रहे हैं, मगर भक्ति करने का फल क्या होना चाहिए? जस्ट चैंट एंड बी हैप्पी। कोई भक्ति कर रहा है मतलब उसका हृदय, उसका मन प्रसन्न होना चाहिए, वो खूब व्यक्ति खुश होना चाहिए। मगर खुद ही मुरझाए रहे, उदास रहे ना, बदहवास रहे ना, तो बोले भैया कहाँ चले गए तुम लोग, कहाँ फंस गए ना, पहले तो अच्छा था ना, अब नॉर्मल हो गया। पहले हम शांत थे, अब भक्ति में आने के बाद और गुस्सा बढ़ गया, इंटॉलरेंट हो गया हम, तो सामने वालों को लगेगा कि ये गलत जगह जा रहे हैं। तो यस, देर इज अ नीड टू एनालाइज, री एनालाइज द सिचुएशन कि क्या मैं सही से प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूँ। देखिए प्रोसेस में कोई कमी नहीं है ना, प्रोसेस में कोई कमी नहीं है। हरि नाम से हमें भगवान की शुद्ध भक्ति मिलती है, हरि नाम से हमारा शुद्धिकरण होता है, ये प्रोसेस है ना। दवाई में कोई कमी नहीं है, मगर दवाई कैसे हम ले रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में ले रहे हैं, कितने भाव से ले रहे हैं, वहां पे गड़बड़ है। देखिए हमारे कितने आचार्य हैं ना, सब आचार्यों ने यही दवाई ली और खुद का शुद्धिकरण था ही उनका, जितने लोग उनके संपर्क में आए उन सबका शुद्धिकरण हुआ, सबको खुशी मिली, सबको आनंद मिला, सब भगवान के धाम वापिस जा रहे हैं हरि नाम को लेते लेते। तो दवाई तो काम करती है, मगर अगर दवाई में आपकी श्रद्धा नहीं है और दवाई को आप नियमित रूप से नहीं ले रहे हैं तो वहां पे उसका आपको रिजल्ट वैसा नहीं मिलेगा जितना एक्सपेक्टेड है। डॉक्टर भी यही करता है ना, दवाई देता है वो बोलता है कि ये 3 बार लेनी है आपको, अब 3 बार लेके आप 1 बार ले रहे हैं तो फिर उतना ही काम करेगा वो, और साथ में वो प्रिकॉशन बताता है आपको कि ये मत करना, ये मत करना, ये मत करना, और फिर हम वो सारी चीज़ें कर भी रहे हैं साथ साथ, तो फिर जब रूल्स को ब्रेक करेंगे तो गड़बड़ होगा। तो हमें प्रोसेस को एज इट इज़ फॉलो करना है और फिर देखिए उसका रिजल्ट मिलेगा। और हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं ना, जितने आचार्यों ने फॉलो किया, जितने भक्तों ने फॉलो किया, उनका जीवन सुधर रहा है, वो शांत हो रहे हैं, उनके अंदर ये सारे जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं मैनिफेस्ट हो रही हैं। भागवत बोलती है, यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचन सर्वे गुणे तत्र समासुते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महत गुणा मनोरथे नास्ति धावतो भई, कि जो हरि के भक्त हैं उनके अंदर देवताओं के भी 26 गुण आ जाते हैं। पेशेंस, डिटर्मिनेशन, एंथुजियाज्म ना, तो ये सारे जो गुण हैं ये भक्तों में स्वतः ही मैनिफेस्ट होते हैं। केवल भक्त क्या करते हैं, श्रद्धा पूर्वक हरि नाम को स्वीकार करते हैं, हरी कथा का श्रवण करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, गुरु के अनुगत रहकर सेवा करते हैं। ये प्रोसेस फॉलो करने से उनको ये सारे लाभ मिल जाते हैं, वो इतने गुणवान हो जाते हैं। तो प्रोसेस तो कार्य करता है, दवाई तो कार्य कर रही है, मगर हमें उसको नियमित रूप से लेना है और अच्छी क्वांटिटी में लेना है। एक बार व्यक्ति जाता है और जाके बोलता है कि अरे मेरी पत्नी बहुत बीमार है, वैद्य जी के पास जाता है, तो वैद्य जी क्या करते हैं, पर्ची में उसको दे देते हैं दवाई और बोलते हैं कि काढ़ा बना के पी जाना, उसको काढ़ा बना के दे देना उसको। तो वो जाता है घर और जाके उबाल देता है, तो जो पाउडर है वो तो डालता है साथ में, वो पर्ची भी डाल देता है ना। तो वैद्य नहीं यही बोला है, बोले काढ़ा बना के पी जाना, और जैसे पीते तो ठीक भी हो जाती है, वो पर्ची पूरी निकल गई ना, जिसका इतना साइड इफेक्ट होना था वो नहीं हो रहा उसको, क्यों? क्योंकि वैद्य जी ने बोला है काढ़ा बना के पी जाना। तो दैट मीन्स कि जितनी हमारी इमोशंस और जितनी हमारा फेथ जा रहा है उस प्रोसेस में, उतनी प्रोपोर्शनलिटी वो कार्य भी करता है। तम रामायण में वर्णन आता है, विभीषण जब राजा बन गए लंका के, तो विभीषण बड़े मैच्योर हैं, वो जानते हैं कि अभी ये जो मेरी प्रजा है इसमें बहुत सारे लोग होंगे जो पिछले राजा से प्रभावित होंगे। अब उनकी श्रद्धा अगर रावण के प्रति है तो मेरे अनुगत रह के वो अच्छे से खुश नहीं रहेंगे। प्रजा मतलब
राजा राजा का कर्तव्य है कि प्रजा को खुश रखना, तब मैं उनको खुश नहीं कर पाया तो फायदा क्या है। तो अनाउंस कर देता राजा बनते ही विभीषण कि जो लोग मेरे साथ नहीं रहना चाहते आप जा सकते हैं, हम आपको मौका देते हैं, हम आपको मारेंगे नहीं, कुछ आपको बिगाड़ेंगे नहीं, आप रिस्पेक्टफुली जा सकते हैं कहीं और। सब लोग तैयार थे, बोले ठीक है, पहले रावण था विभीषण, काम चला लेंगे हम। मगर एक राक्षस था, बोले नहीं भैया हम तेरे साथ नहीं रह सकते, मैं तो रावण का भक्त हूँ, मैं गदा नहीं कर सकता। विभीषण बोलते ठीक है आप जाइए। बोले कैसे जाऊँ, समुद्र है सामने, 100 योजन समुद्र है, मेरे को तैरना नहीं आता, मैं नहीं जा पाऊंगा। तो विभीषण एक पर्ची देते, बोले पर्ची हाथ में रखना और इसको हाथ में रखोगे तो तुम डूबोगे नहीं समुद्र में, पकड़ के रखना जोर के, मगर देखना नहीं इसमें कुछ क्या क्या है, हाथ में पकड़ के तुम समुद्र पार कर लोगे। तो उसने जब समुद्र के किनारे पहुंचा तो एक स्टेप रखा, बोले देखता हूँ कि काम करता है कि नहीं, हाथ में पर्ची है और देखा देखा अरे गिरा नहीं यार। फिर दूसरा स्टेप रखा तो कॉन्फिडेंस आ गया, पर्ची से मैं गिर नहीं रहा हूँ। तो ऐसे चलता गया आधे समुद्र में पहुंच गया। अब वो जो ओवर जो कॉन्फिडेंस था वो ओवर कॉन्फिडेंस में बदल गया, बोले यार समुद्र में चलना आ गया मुझे, देख कैसे चल रहा हूँ मैं। मगर थोड़ी देर में वो राक्षसी प्रवृत्ति जागृत होगी, बोले यार ये पर्ची से थोड़ी मैं चलो पर एक बार देखे उसी पर्ची में है क्या, कैसे चल रहा हूँ मैं। तो हाथ खोल लिया और जो पर्ची में देखा तो उसमें क्या लिखा था, राम, राम का नाम लिखा। उठा के दे फेंका उसको पर्ची को नीचे पानी में, बोले राम के नाम से इतना भी क्या हो गया यार, ये नाम का नाम कि मेरे को इस पर चला रहे इससे कुछ नहीं होगा। उठा के फेंक दिया और जैसे फेंक फेंका तो उसका भी टायर पंचर हो गया, वो भी गिर के पानी में डूब गया। तो देखिए भगवान का नाम कितना शक्तिशाली है कि अभी हरि नाम की महिमा पे, हरि नाम की महिमा वो जानता नहीं था, फिर भी वो हरि नाम कार्य कर रहा था। हरि नाम की शक्ति वो राक्षस जानता नहीं है, उसके बाद भी हरि नाम काम कर रहा है, उसको उस समुद्र से पार करा रहा है। मगर जैसे ही हरि नाम से श्रद्धा टूटी तो वो भी गिर गया। दैट मीन्स प्रोसेस तो कामयाब है। ऐसे जो हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं उसको श्रद्धापूर्वक हम अपनाएंगे, नियमित रूप से अपनाएंगे, तो निश्चित रूप से हमारे जितने अनर्थ हैं वो निकलेंगे, बाहर निकलेंगे। और ये फेथ हमें होना चाहिए कि आज नहीं तो कल मैं अपने अनर्थों पे विजय प्राप्त कर लूंगा। ये जो काम क्रोध लोभ जो मुझे बार बार परेशान करते रहते हैं ये मेरे जीवन से निकलेंगे, बट मुझे ये भक्ति की रस्सी को बड़े कस के पकड़ना है, यही एकमात्र आशा है। हरि नाम को अच्छे से मुझे उसका उच्चारण करना है ध्यानपूर्वक, तो निश्चित रूप से इस क्रोध से मैं ऊपर उठ पाऊंगा। और फिर देखिए लोग ना वही घर वाले ना वो आरती उतारेंगे आपकी, बोले यार क्या हो गया इसको, कहाँ जाता है, अच्छा ये घर वाले दूसरों को बोलेंगे ना इस कौन जाता है जी, हमारा लड़का इस कौन में जाता है, देखो क्या बदल गया है, पहले क्या था वो राक्षस था ना अब तो ये देवता बन गया है। तो भक्ति तो सर्व आकर्षक है, भक्ति किसकी, कृष्ण की भक्ति, कृष्ण मतलब जो सर्व आकर्षक है। तो ऐसी जो भक्ति का सहारा लेता है वो भी सर्व आकर्षक बन जाता है, वो भी सारे लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। प्रभुपाद जी ने क्या किया, भक्ति को पकड़ा और पूरा संसार प्रभुपाद जी के पीछे आ गया, उनका अनुगत हो गया। 70 साल का व्यक्ति उसका चेहरा मुरझाया हुआ होता है, झुर्रियां आई होती हैं, आंखें ऐसी बड़ी बड़ी हो जाती हैं, लठिया हाथ में होती है, ऐसे व्यक्ति को कोई अपना नहीं मानता है, सब दूर भागते हैं ऐसे लोगों से, बूढ़े लोगों से। मगर यहाँ प्रभुपाद जी का इतना औज था, उनका ऐसा ऑरा था कि सब लोग उनके पीछे दौड़े दौड़े जा रहे हैं। कभी वीडियोस आपने देखे हो प्रभुपाद जी, जब प्रभुपाद जी फ्लाइट से आते थे अमेरिका उतरते थे, सब लोग ऐसे पागलों की तरह नाच रहे हैं प्रभुपाद जी के लिए, उनको प्रणाम कर रहे हैं दंडवत, सारे एयरपोर्ट पे, भरे एयरपोर्ट पे, सबके सामने, कोई डर नहीं, कोई शर्म नहीं। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी के प्रेम ने उनको बांध लिया है, वशीभूत कर लिया है। ऐसे क्यों कर पाए प्रभुपाद? क्योंकि वो शरणागत है भगवान के ऊपर। तो पॉइंट इज कि भक्ति इज वेरी पावरफुल एंड हूएवर टेक शेल्टर ऑफ भक्ति दैट पर्सन बिकम्स सो अट्रैक्टिव। कैसी है उस भक्ति का हमें सहारा लेना है ना श्रद्धापूर्वक, तो निश्चित रूप से हम अपने अर्थों से निवृत्त हो पाएंगे और हमारे आसपास के लोग हैं उनके हम प्रेरणा स्रोत बन पाएंगे, उनको प्रेरणा दे सकेंगे हम कि ताकि वो भी भक्ति में आए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Oh.
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम।